नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। बदलते दौर की कहानियां आपने सुनी होगी, किस तरह से दौर बदलता गया, दौर आता गया, नया जमाना आया तो पुराना जमाना गया। इसी दौर की बात करें कुछ साल पहले की, जिस वक्त भारत गुलाम था, उस दौर की कुछ रेजरी हांसी में कृष्ण सैनी के पास है, जो खेतों में रहते हैं लेकिन शौकीन है वो सिक्के इकट्ठा करने का, उनको काफ़ी ज़्यादा शौक है। इस तरह से कहीं भी उनको कुछ पुराना एंटिक कोई चीज़ मिलती है, कोई सिक्का मिलता है, कोई रूबल मिलता है, रुपया मिलता है, आना दो आना, जो आपने नहीं देखा वो इनके पास। आप कभी भी देखने के लिए इनके खेत में आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल साथ में लगा हुआ इनका प्रेमनगर के पास खेत है और यहीं पे अपना शौक भी खेती बाड़ी के साथ ये पूरा करते हैं। बात करें जो दौर की बात कर रहे थे आप, जो सिक्के के शौकीन हैं, जो पुराने वक्त के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको दिखा देते हैं किस तरह के यहाँ पे सिक्के हैं, कौन कौन सी सन के सिक्के हैं, भारत की गुलामी से पहले के सिक्के आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो 1940 की बात करें, 39 की बात करें, आना पावली ढेला सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आधा आना इसको दिखा देते हैं, आधा आना है ये कैमरे पे आप देख सकते हैं, और आधा आना मतलब इसकी डेट बता दें 1942 का ये है, उसके बाद ये आ जाता है आना। आने के बाद ये देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग दौर के अलग अलग सिक्के, और इससे पता चलता है कि आज का दौर कौन सा चल रहा है और कल कौन सा था, आज बदला क्या है और कल क्या बदल जाए ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सिक्के शौकीन करने के जो इकट्ठा करने के शौकीन है उनको तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ हर जमाने का, आधुनिक ज़माने से लेके पुराने ज़माने तक के सिक्के यहाँ पे मिलेंगे। कृष्ण से जान लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कहाँ से ये शौक आपको लगा? ये बस वैसे लग गया, खेती करते करते मिलते गए जी, इकट्ठा करते गए। कौन कौन सी सन के आपके पास ये रेजरी हैं? 1902 से लेके और आज तक के हैं। आज तक के हैं, तो कौन कौन से पैसे आपके पास ये हैं? ये अधन्य से लेके और जितनी भी क्वालिटी की आज तक की करेंसी चली है सब है। तो कहाँ से इकट्ठा किया आपने? ये बस ऐसे ही मिलते गए, इकट्ठा करते गए, बस शौक था खेती के साथ एक अलग शौक। हाँ बस ये खेती हमारा खानदानी पैसा है। तो ये कहाँ से पैसों में खरीदे हैं? ना जी, मैंने सब एकत्रित करे, जड़े तो मिल गया, भाईचारा प्यार में जहाँ से मिले इकट्ठा करे। तो ये शौक आपका है? हाँ ये शौक, और ये रहेगा, ये सदा रहेगा। तो जो सिक्के के शौकीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई पुरानी धरोहर इकट्ठी करो, जिंदगी में भविष्य में अगला आने वाले नस्ल ने बेरा पटर ये होया करते। कहीं ना कहीं इनसे कह सकते हैं कि आज व्यक्ति रहा कल नहीं रहा, इसी तरीके से ये रुपया पैसा ढेली का भी दौर इसी तरीके से था। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आने वाली नस्ल को भी तो ये पता हो कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती थी। हमारे को देख, हमने देख लिया, आने वाले नस्लों को तो नहीं पता कि ये कैसे होते थे, क्या थे, बानना देली पावली ये कुछ होती भी है। तो कौन कौन सा पैसा आपके पास अभी है? अभी मेरे पास मौजूद हालत में सब है, आज के दौर से लेके और 1902 तक का पैसा मेरे पास है। एक पैसे दो पैसे जितने पैसे होते थे वो सब है, सभी हैं। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं ये जितने भी, जिस तरह से जिस भी दौर की बात करें वो आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएगा। बात करें ये 500 का नोट, अभी जो नोटबंदी के दौरान बंद हुआ था, या फिर ये 100 का नोट, काफ़ी सारे सिक्के यहाँ पे हैं, अलग अलग सिक्के हैं, अलग अलग रेजरी हैं। तो इन सिक्कों को इकट्ठा किया, जो भी सिक्के के शौकीन है, पुरानी चीज़ों के शौकीन है, वो इनको ज़रूर देखना चाहेंगे। देखना हो तो आप आ सकते हैं कृष्ण सैनी के पास, प्रेम नगर रेलवे स्टेशन के पास ये रहते हैं। ये आपको इनके खेत दिखा देते हैं, खेती बाड़ी का ये काम करते हैं, यहाँ पे खेतों का इनका काम है।
और ऐसे में इस तरह का शौक एक अपनी अलग ही कहते हैं कि शौक के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। शौक के लिए एक पुरानी कहावत है, कुतिया लाहौर पहुंच गई, तो वही चीज़ें यहाँ पे साबित हो रही है कि शौक के लिए उन्हें पता ना कहाँ कहाँ से ये सिक्के इकट्ठा किए। आप देख रही है इंटरनेशनल में अनुराग सिंह, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप देख रही है इंटरनेशनल।